No. Are you asking it? गुड मॉर्निंग सर। तो ये किस तरह की तरह विजय स्तंभ का तो आज हम विजय स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे कि विजय स्तंभ कहाँ है, किस रूप में है और इसका निर्माण किसने करवाया। अच्छा, तो ये चित्र देख रहे हो, इसमें ये क्या लिख रखा है, चित्तौड़ विजय स्तंभ का कितनी मंजिल है, नौ। और इसका निर्माण विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा ने 1437 में जीता था, जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध, जो मालवा में पड़ता है एमपी में। और वो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था 1437 में। उसके विजय के उपलक्ष में महाराणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये रोमन जिला है और इसकी जो ऊंचाई है वो 122 फीट है। और इसमें जो आठवीं मंजिल पर है ना, आठवीं मंजिल पर उस पर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। और इसकी तीसरी मंजिल पर नौ बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। क्या सर दोबारा? तीसरी मंजिल में नौ बार अल्लाह लिखा हुआ है, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। और इसके जो शिल्पी यानी जो डिजाइन है वो जेता है। और इसमें जेता का जो सहयोग दिया था वो गुंजा ने दिया था। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो मैं आपसे कुछ अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप बोल दें तो प्रॉब्लम होने वाला है। क्या ये जो चित्र देख रहे हो आप, ये किसका चित्र है? विजय स्तंभ का। ये किस रूप विजय स्तंभ है वो किस रूप में स्थित है? तो विजय स्तंभ किस रूप में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।